दिसंबर के महीने में हमें आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन होते हुए दिखने वाला और आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से दो बड़े खिलाड़ियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने लगभग खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, लगभग एमआई की टीम ने मन बना लिया है इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। तो उन सारे खिलाड़ियों के नाम हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं और मुंबई इंडियंस की टीम कितने पैसे देने वाले उन खिलाड़ियों को एमआई की टीम के लिए खेलने के लिए। तो उन सभी खिलाड़ियों के नाम और सारे खिलाड़ियों की डिटेल हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते पहले खिलाड़ी की, उस खिलाड़ी का नाम है सैम करन। जी हां दोस्तों, सैम करन ने कंफर्म कर दिया है कि वो मिनी ऑक्शन का हिस्सा बनने वाले और दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम काफी इंटरेस्टेड दिख रही है सैम करन के लिए और एमआई की टीम मिनी ऑक्शन से पहले सैम करन से कॉन्टेक्ट में आप भी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, कॉन्टेक्ट कर लिया है मुंबई इंडियंस की टीम ने सैम करन के साथ में, यानी कि कहले संपर्क बना लिया है एमआई की टीम ने सैम करन के साथ में। तो अब सैम करन हमें एमआई की टीम के अंदर खेलते हुए देख सकते हैं। जहां दोस्तों जो मिनी आईपीएल होने वाला है साउथ अफ्रीका में जनवरी के महीने में, उसमें भी सैम करन एमआई की टीम की फ्रेंचाइजी की ओर से खेलना चाहते हैं और एमआई की टीम ने ड्राफ्ट कर लिया था सैम करन को मिनी आईपीएल के ऑप्शन से पहले। तो सैम करन हमें मिनी आईपीएल में एमआई की टीम की फ्रेंचाइजी की ओर से खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो हो सकता है कि अब बड़े आईपीएल में भी हमें सैम करन मुंबई इंडियंस की टीम की फ्रेंचाइजी से खेलते हुए नजर आए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को सैम करन को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में से खरीद कर? तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर सैम करन के प्राइस की बात की जाए तो इन पर हमें 4 से 5 टीमें बीडिंग करते हुए दिखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 टीमें हमें सैम करन के ऊपर बीडिंग करते हुए दिखने वाली है। तो एमआई की टीम को इजिली सैम करन तो इस मिनी ऑक्शन के अंदर एमआई की टीम को सैम करन 7 से 8 करोड़ रुपए के अंदर इजिली मिलने वाले। तो एमआई की टीम हमें सैम करन को खरीदते हुए देख सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की, उस खिलाड़ी का नाम है टी नटराजन। जी हाँ दोस्तों, टी नटराजन हमें एसआरएच की टीम की ओर से रिलीज होते हुए दिखने वाली है क्योंकि इनके इंजरी का इशू रहता है। तो इसलिए एसआरएच की टीम हमें टी नटराजन को अपनी टीम से बाहर करते हुए दिखने वाली है और फिर हमें मिनी ऑक्शन का हिस्सा बनते हुए दिखने वाले है। और जहीर खान की काफी फेवरेट बॉलर है टी नटराजन, तो हो सकता है कि हमें जहीर खान हमें टी नटराजन को परचेज करते हुए दिखे। हालांकि एमआई की टीम का मैनेजमेंट भी काफी इंप्रेस होता है टी नटराजन के प्रदर्शन से, तो हमें टी नटराजन एमआई की टीम को ज्वाइन करते हुए देख सकते हैं। एमआई की टीम को 2 से 3 करोड़ रुपए में तो इजिली मिलने वाले इस मिनी ऑक्शन के अंदर क्योंकि ज्यादा टीमें बिडिंग नहीं करने वाली है नटराजन के ऊपर। और अगर ये खेल लेते हैं आईपीएल 2023 के सीजन में तो इससे काफी बेनिफिट होने वाला है एमआई की टीम को क्योंकि एमआई की टीम के पास में जयदेव उनादकट जैसे खिलाड़ी मौजूद है और बैसल थम्पी जैसे खिलाड़ी मौजूद है जिनकी काफी ज्यादा इकोनॉमी है आईपीएल के अंदर। तो एमआई की टीम को एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज की नीड है, तो हमें टी नटराजन एमआई की टीम को ज्वाइन करते हुए देख सकते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, एमआई की टीम को सैम करन को खरीदना चाहिए या फिर टी नटराजन को? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।